हेलो गाइस, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है लफीस हेल्थ केयर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आयरन डिफिशेंसी के बारे में। इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आयरन डिफिशेंसी मतलब यानी कि आयरन की कमी हो गई, ब्लड की कमी हो जाती बॉडी में, तो करते क्या है, क्या किया जाए उस कंडीशन में, क्या लिया जाए, तो उसमें बात करेंगे। होता है क्या दोस्तों, महिलाओं में क्या होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद क्या होता है उनमें, ब्लड की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, जिसमें काफ़ी चिड़चिड़ापन और वीकनेस फील होती है, तो उस कंडीशन में देते क्या हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में फेरोनिया एक्सटी सीरप के बारे में। फेरोनिया एक्सटी जो सस्पेंशन होता है, इसके कंपोजिशन के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में, क्या सावधानियां किस तरह लें, कौन से लोग को दिया जा सकता है, तो उस पर बात करेंगे। दोस्तों फेरोनिया एक्टिव सस्पेंशन जो होता है वो 150 ml की क्वांटिटी में आती है। ये बात करें, ये कंपनी जुवेंट कंपनी होती है जो वो प्रोड्यूस करती है, इस प्रोडक्ट को बनाती है। इसकी MRP की बात करें दोस्तों, MRP इसकी है 136, मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा इस नाम से। और बात करें दोस्तों ये कौन सी क्या नाम है दोस्तों, इसमें होता क्या है, कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन होता क्या है इसमें, फेरस स्कॉर्बेट होता है, मतलब फेरस स्कॉर्बेट मतलब आयरन एंड वाइटमिन सी पाई जाती है। दोस्तों बात करें इसमें इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। दोस्तों ये क्या होता है, अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस सिरप को दिया जाता है। दोस्तों ये क्या करता है, RBC हमारे ब्लड जो होते हैं, रेड ब्लड सेल को, उनको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है इस सिरप को लेने के बाद। और दोस्तों दूसरी बात ये है, ये हीमोग्लोबिन को क्या करता है, हीमोग्लोबिन को इंक्रीज भी कर देता है। हीमोग्लोबिन दोस्तों एक प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में, जो कि क्या करता है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को क्या करता है, मेंटेन रखता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड ब्लड में जो ऑक्सीजन होते हैं हमारे बॉडी में, हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही जाते हैं, ब्लड के थ्रू ये काम होता है दोस्तों। और इसकी बात करें दोस्तों, इसमें इसको किस कंडीशन में दिए जाते हैं, इसमें दोस्तों जैसे कि एनीमिया हो गया, एनीमिया के लोगों में दिया जाता है, जैसे कि ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया उस कंडीशन में दिया जाता है दोस्तों। इसको और बात करें इसमें, जैसे कि प्रेगनेंसी हुआ, प्रेगनेंसी लैक्टेशन हुआ, जैसे कि क्या होता है, महिलाओं में दूध की कमी हो जाती है, तब भी इस सीरप को दिया जाता है, जिससे लैक्टेशन होने लगे। प्रेगनेंसी में क्या होता है दोस्तों, ब्लड की कमी हो जाती है, तब भी इस सीरप को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। और बात करें दोस्तों ये क्या होता है, जैसे कि पीरियड का टाइम हुआ, महिलाओं में गर्ल्स में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है पीरियड की, तो उस कंडीशन में भी दिया जाता है, जिसमें ब्लड लॉस काफ़ी हो जाते हैं, तब भी इस कंडीशन में दिया जाता है दोस्तों। ये क्या करता है दोस्तों, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, तो ये इंक्रीज जब ब्लड कर देता है, तो क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि एलिमेंट वगैरह का सब खाते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इस वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में। ये क्या करता है दोस्तों, रेड RBC को इंक्रीज कर देता है, प्लस क्या करता है, प्लेटलेट को भी हमारे बॉडी में बना देता है, जिससे कि हमारी बॉडी का भी मेंटेन रहती है, ब्लड की कमी नहीं हो पाती है दोस्तों। और ये क्या करता है दोस्तों, ये स्किन इन्फेक्शन में भी काफ़ी फ़ायदा करता है। तो उस बात करें इसके यूजेस के बारे में, जैसे कि डायरेक्शन के बारे में, किस तरह से यूज़ करते हैं, तो इसमें दोस्तों नॉर्मल जैसे ब्लड की कमी हो या आयरन की कमी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, 5 ml दे सकते हैं डॉक्टर, जैसे प्रिस्क्राइब करता है दिन में एक बार नाश्ते या खाना खाने के बाद। अगर दोस्तों प्रेगनेंसी है या प्रेग्नेंट है महिला, तो उसमें क्या होता है, उसको 10 ml दे सकते हैं एज ए आपके अकॉर्डिंग, किस तरह से आपको क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करें इसके जैसे कि साइड इफ़ेक्ट के बारे में, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट दोस्तों होता है इसमें, जैसे कि नौजिया हो गया, जैसे कि मतली आना हो गया, वोमिटिंग हो गई, जैसे कि पलटी जी मतलाए, ये हो गई कंडीशन। दोस्तों क्या होता है इसमें, पेशेंट कभी कभी घबरा जाते हैं, जैसे कि आपका स्टूल जो होता है क्या होता है, डार्क हो जाता है, जैसे लेटरिन जो होती है वो डार्क कलर की होने लगती है, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट घबरा जाता है। तो उसमें कोई घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है, आयरन होता ही है जो डार्क कलर का होता है, अगर इस कंडीशन में आपका लेटरिन अगर डार्क हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये साइड इफ़ेक्ट हैं उनके। और दोस्तों इसमें डायरिया भी हो सकता है, कॉमन है डायरिया होना,
तो डायरिया भी हो सकता है, तो इसमें ये साइड इफेक्ट है दोस्तों।